हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीयूज़ और रीपेंट अ कैनवस। तो उसके लिए हमारे को एक पुराना कैनवस चाहिए होगा, जो कि मेरे पास ये एटलीस्ट 5 to 6 years ओल्ड पुराना कैनवस है ये मेरे पास। तो उसके लिए हमारे को एक थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और एक ब्रश चाहिए होगा, और एक एक्रेलिक पेंट चाहिए होगा जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, 20 rupees का है। किसी भी मार्केट में आप जाके इसको ले सकते हैं, मिल जाएगा कहीं भी एक्रेलिक पेंट। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कैनवस है हमारा, उसमें से सारी डस्ट जो है वो रिमूव कर लेंगे, ताकि जो हमारा पेंट है वो काला ना पड़े, ख़राब ना हो और अच्छे से स्प्रेड भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साफ़ करने के बाद थोड़ा सा अपना ब्रश वही वेट कर लूँगी और अपने कैनवस पे स्प्रेड कर लूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो कलर है वो इजीली थोड़ा स्प्रेड हो जाए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू वांट तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पानी लिया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा कलर है वो बहुत ही पतला है, तो एक कोट में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वाइट बैकग्राउंड, वाइट बेस रेडी कर लें। तो इसके लिए 2 or 3 कोटिंग तो लगेगी, तो हम एक ही पैटर्न में इसको कर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने किया नहीं है एक पैटर्न में, क्योंकि फर्स्ट ही कोट है, तो इट्स ओके। अगर आप फर्स्ट कोट है आपका तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि सेकंड कोट में वो कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि फर्स्ट कोट में इतने स्ट्रोक्स पता चल रहे हैं ब्रश के, और जो हमारा पीछे की पेंटिंग है वो भी विजिबल अभी भी है। तो हम अभी इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अच्छी तरीके से, ताकि जो भी हमें दिख रहा है स्पेस वो उसे पहले कवर कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और इससे ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए, 2 to 3 minutes हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम इसकी सेकेंड कोटिंग भी शुरू कर सकें। डन छोड़ने के बाद अब यहाँ मेरा ये पेंट ड्राई हो चुका है, और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हम सेकेंड कोट अपना लेयर शुरू कर दिया है। तो ये सेकेंड लेयर मेरी शुरू हो गई है, और अच्छे से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा साफ वाइट बैकग्राउंड मेरा बेस रेडी हो गया है। तो बस हमारे को यही करना है अच्छी तरीके से। अगर आपका नहीं होता है तो आप 3 coats भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ड्राई होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं।